बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एरर एनालिसिस। इससे पहले बेटा हम 4 टॉपिक्स और कर चुके हैं, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर वो आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स हैं, वहां जाके डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या टॉपिक्स हैं। फिलहाल मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो प्यारे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या चीज होती है बेटा, वो पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो इस एरर एनालिसिस से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे कि वो दो टर्म्स हैं, सबसे पहले व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। ये नाम आपने सुने होंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों सुने हुए शब्द हैं, और ऐसा लग रहा है कि सर ये दोनों तो इसका एक ही मतलब होता है, लेकिन बेटा इन दोनों का अपना अपना अलग मतलब है। एक्यूरेसी किस टर्म से रिलेटेड है? एक्यूरेसी टर्म इज रिलेटेड टू एक्यूरेट, कि बेटा जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लें ये एक पत्थर है, ये पत्थर 2.5 किलो का है, लेकिन जब मैंने इसे तराजू पर रखा, किसी मशीन पर रखा, तो ये निकला 2.6 kg, किसी दूसरी मशीन पर रखा उस पर निकला 2.55 kg। तो आप देखिए अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, एरर्स आ रही हैं इसमें। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अलग है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अलग है, क्योंकि रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं है। तो कौन सा रिजल्ट, कौन सा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, वो हमें किस चीज़ से पता चलता है? उसकी एक्यूरेसी से। जैसे एक बार आप देखिए, एक्चुअल इसका वजन था 2.5 kg, लेकिन हमने जब मेज़र किया तो एक बार निकला इसके आसपास 2.55 kg, एक बार निकला 2.49, एक बार 2.51। तो अब देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज हैं। चलो इसे 5.5 लेने के जगह 5.2 ले लेता हूँ, काफ़ी क्लोज हैं, 2.50 के काफ़ी पास हैं। तो हम कहेंगे ये रिजल्ट्स कैसे हैं? एक्यूरेट हैं। जबकि दूसरी मशीन से हमने मेज़र किया तो इसका वेट निकला 2.8 kg, दूसरी बार किया तो वो निकला 2.35 kg। तो आप देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक और लिख दे रहा हूँ 2.90 kg। आप ये देखिए ये जो रिजल्ट हैं ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी अलग हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, यानी ये रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं हैं, जबकि ये रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है वो आप समझ गए, कि कोई भी जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। इसलिए इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनी है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट या क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। लेकिन प्रिसीजन क्या है बेटा? प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उससे जो भी वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो वैल्यूज आपस में कितनी रिलेटेड है, कितनी क्लोज है, कितनी आसपास है, वो किस लिमिट में लाई कर रही हैं, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। जैसे मान लें कि हमने एक पत्थर जिसका वजन 2.5 kg था, तो उसका हमने अलग अलग मशीन से किया, मान लें एक बार रिजल्ट आया 3.1 kg, दूसरी बार आया 1.10 आया, एक बार 3.15 आया, एक बार 3.09 आया, इस तरीके से 3 रिजल्ट्स आए। आप देखिए ठीक है, 3 रिजल्ट्स आए आपके पास। अब आप देखिए ये एक्चुअल ट्रू वैल्यू से क्या आसपास है? नहीं, काफ़ी दूर हैं, यानी इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है इस मेजरमेंट की। लेकिन ये आपस में देखिए कितने पास पास हैं, 3.10, 3.11, 3.09, क्योंकि ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, एक लिमिट के अंदर हैं। तो हम कहेंगे जो हम यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिसीजन इसका बहुत हाई है, काफ़ी पास पास हैं वैल्यूज़। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है प्रिसीजन रेफर्स टू विच द क्वांटिटी, रेफर्स टू द लिमिट टू विच
क्वांटिटी इज मेजर्ड, लिमिट या रिजोल्यूशन टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि किस लिमिट में कितनी क्लोजली एक दूसरे से मेजर करी गई हैं। ये दोनों बातें समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए तो बिल्कुल दिमाग में बैठ ही जाना है। एक बेटा एक डार्ट गेम होता है, आप खेलते होगे कि इस तरीके से गोले चक्के बने हैं और आपको तीर इस पे मारना है और बीच में होती है बुलसाई, 100 नंबर मिलते हैं बीच में मारने पर। तो आप देखिए हमने 5 डार्ट इस पे ठोके तो यहाँ पे ये 5 डार्ट यहाँ जाके लगे, बीच वाले पॉइंट के काफ़ी पास जाके लगे हैं, काफ़ी पास लगे हैं इस तरीके से बीच वाले पॉइंट के। तो हम कहेंगे कि इस रिजल्ट की एक्यूरेसी कैसी है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बेटा एक्यूरेसी तो इसकी अच्छी है लेकिन प्रिसीजन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है उससे जो रिजल्ट्स आर मेजर्ड वैल्यूज आ रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इधर 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 चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो एक्यूरेसी तो अच्छी है बट अलग अलग बिखरे हुए हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे, नॉर्मल वैल्यू से कुछ ऊपर भी हैं कुछ नीचे भी हैं, तो इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। लेकिन 5 आपने डार्ट ठोके तो आप ये देखिए 5ों यहाँ जाके लगे, तो बताइए इसकी एक्यूरेसी कैसी है। अरे ये जो ट्रू वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी उससे इतनी दूर आपने ठोके हैं, तो आप ये देखिए इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं है, जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो काफ़ी दूर आ रही हैं, 2.5 की जगह 3.10 आ रही है, तो इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं है लेकिन प्रिसीजन बहुत अच्छा है। आप देखिए कितने पास पास ये ठोके गए हैं ऐसी। अब ये बताइए जरा इसकी एक्यूरेसी कैसी है और प्रिसीजन कैसा है। जी हाँ, ना ही इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, सब इधर उधर हैं रिजल्ट से, ट्रू वैल्यू से कितनी दूर दूर हैं, ना ही इसकी एक्यूरेसी अच्छी है ना ही प्रिसीजन अच्छा है, क्योंकि आप देखिए सब ट्रू वैल्यू से कितने चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो ना एक्यूरेसी अच्छी ना प्रिसीजन अच्छा। यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी थी बट प्रिसीजन अच्छा नहीं था, यहाँ प्रिसीजन अच्छा है बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये देखिए ज़रा ये सेंटर पॉइंट से कितने पास पास तीर जाके लगे हैं, तो इसकी एक्यूरेसी कैसी है, अच्छी है, क्योंकि सेंटर से ट्रू वैल्यू से काफ़ी पास हैं। और तो और जितने भी ये मेजरमेंट्स आए हैं ये आपस में खुद बहुत क्लोज हैं, तो इसका प्रिसीजन भी कैसा है, अच्छा है। तो बेटा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मेज़र करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो और प्रिसीजन भी अच्छा हो, और हमारी जो मेजरमेंट आई है उसमें गलती कम से कम हो। गलती? जी हाँ, गलती। बेटा जब भी कोई आप मेजरमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। प्रिसाइज हो सकते हैं, काफ़ी क्लोजली हो सकती हैं वैल्यूज़ रिलेटेड, लेकिन कोई भी रिजल्ट एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती निकलती ही निकलती है। वो किन वजहों से निकल सकती है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में पहले ये बात बैठाओ, दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी उसमें होती ही है। वो गड़बड़ी कैसे हो सकती है, कितनी होगी, अगर गड़बड़ी आएगी तो उसे मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें वो जो एरर्स आ रही हैं उनका क्या करना चाहिए, वो ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तभी इस चैप्टर का नाम है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस मतलब जो भी मेजरमेंट में गड़बड़ी आ रही है, एरर आ रही है, उसकी हमने एनालिसिस करनी है। तो उससे पहले हम ये पढ़ लें जरा कि एरर्स कितनी तरीके की होती हैं और किन किन वजहों से एरर्स अराइज हो सकती हैं। तो प्यारे आप ये तो समझ गए कि एरर क्या होती है, लेकिन अभी बात आई कि एरर निकाली कैसे जाए। जैसे मान लें कि आपने पत्थर का वजन देखा था, एक्चुअली उसका वजन ट्रू वैल्यू उसकी 2.50 केजी थी, ट्रू वैल्यू थी उसकी 2.5 केजी, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट से मेज़र किया तो एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू निकली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकली 2.3 केजी। तो बेटा गड़बड़ी आई, एक्चुअल कुछ और थी, निकली कुछ और, तो इसमें गड़बड़ी आई। कितनी गड़बड़ी आई उसको हम अगर माइनस कर दें इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी गड़बड़ी आई है। इसी को हम कहते हैं एरर। यानी किसी भी क्वांटिटी की, मेजर्ड वैल्यू की, अगर आपको एरर निकालनी है किसी क्वांटिटी में, तो सिंपली क्या कर देना है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एरर्स बेटा कई तरह की होती हैं, और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एरर्स आखिरकार किसी भी एक्सपेरिमेंट में
क्यों आती हैं, जो मैंने बोला एरर होएगी होएगी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या वजहों से एरर हो सकती है वो देख लें, और उन एरर्स का क्या वेरियस टाइप्स हैं वो अभी हमें यहाँ पता चलेगा। तो बेसिकली जो एरर्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, कॉन्स्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रेंडम एरर। कॉन्स्टेंट एरर क्या होती है बेटा, कि जैसे मान लें कि एक्चुअल वेट ट्रू वैल्यू जो है स्टोन की 2.5 kg थी, आपने एक बार मेज़र किया उसकी वैल्यू निकली 2.3 kg, कितने का डिफरेंस आया 0.2 kg की एरर आई। अगली बार आपने मेज़र किया फिर से 2.3 kg निकली, कितने की एरर आई, फिर से 0.2 kg की। हर बार सेम 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 उतनी ही एरर आ रही है अगर, तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट एरर। कॉन्स्टेंट एरर, बात समझ पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सेम एरर विच अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन बाई सेम अमाउंट, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट एरर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, ऐसी एरर्स विच टेंड टू अकर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, कि जैसे ट्रू वैल्यू जो स्टोन के मास की थी वो 2.5 kg थी, आपने एक बार इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली तो एक बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकली 2.6 kg, अगली बार निकाली 2.7 kg, तीसरी बार निकाली 2.65 kg। तो आप ये देखिए, ये एरर जो आ रही है हमेशा एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब यहां ये नहीं है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, डायरेक्शन का मतलब है हमेशा इससे ज्यादा ही आ रही है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है हमेशा इससे ज्यादा, हमेशा ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो इसका एक ही डायरेक्शन है, या हमेशा इससे कम आ रही है, जैसे एक बार निकली 2.45 kg, एक बार निकली 2.49 kg, एक बार निकली 2.43 kg, तो आप देखिए हमेशा इससे कम आ रही है। एक ही डायरेक्शन में अगर एरर आए, एक ही डायरेक्शन में अगर एरर आए, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो वो सिस्टमैटिक एरर नहीं होगी। सिस्टमैटिक एरर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बोले सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब है कि बेटा अगर ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बड़ी हुई, ट्रू वैल्यू बड़ी हुई तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो एरर का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अगर ट्रू वैल्यू छोटी हुई तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस। जैसे आप इन सारे केसेस में देखिए, ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से छोटी है तो इस केस में एरर जो आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, और इस केस में ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमेशा बड़ी है तो इसमें एरर हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, डायरेक्शन का मतलब ये, या तो पॉजिटिव ही हो या फिर नेगेटिव ही हो। लेकिन बेटा सिस्टमैटिक एरर होने की कई वजह होती हैं, चार वजह हो सकती हैं उसकी। जैसे सबसे पहले बात आई इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, जैसे मान लें जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो आप उसे ऑब्वियसली बात है कोई भी वैल्यू मेजर करेंगे तो वो गलत ही आएगी। जैसे आप स्केल लेके आए, स्केल से जो है आप टेबल की लेंथ मेजर कर रहे हैं, अब स्केल जो है 25 साल पुराना स्केल उठा के ले आए हो, कहीं से टूटा है, कहीं से घिसा हुआ है, आगे से उसकी चोंच गायब है, तो बेटा अगर आगे पीछे से कटा हुआ है, उसमें रीडिंग्स गलत लिखी हुई हैं, मिट गई हैं, तो बेटा आप कैसे उससे सही वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, किसकी गलती है, अगर एरर इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आ रही है तो ऐसी एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल नया तरोताज़ा इंस्ट्रूमेंट ले आए, लेकिन वो मेजर करते समय आपने गलती कर दी, आपने ऑब्जर्वेशन गलत ली, आपकी खुद की गलती की वजह से अगर कोई एरर आती है तो उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर। खुद की पर्सन की वजह से ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ी होती है तो उसे पर्सनल या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर। आपको सही से इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेना नहीं आता, यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज कि उसकी रीडिंग कैसी लेनी है, आपने इधर से कुछ देखा इधर कुछ लिख दी, पिए हुए हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, तो कौन सी एरर, पर्सनल एरर, ठीक है। नेक्स्ट है इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की वजह से भी एरर हो सकती है। कहने का मतलब ये कि जैसे कोई भी आप टेक्निक, कोई भी एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं कोई वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें कई बार इम्परफेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि चलो ये स्टोन का ही अगर हमें वज़न निकालना है तो हम इसे स्प्रिंग बैलेंस पे रख के इसका वेट निकालेंगे, स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, उस पे इसे टांग देंगे इस 2.5 kg के स्टोन को, तो बेटा अगर वो
मान लें कि स्प्रिंग बैलेंस आपको रीडिंग दे रहा है 2.5 केजीबी रीडिंग अगर दे रहा है, तो वो रीडिंग इसकी एक्चुअली इसका वेट 2.5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचर में ऐसा है कि अगर आप उसे रखेंगे भी हवा में लटका के, तो बेटा हवा का भी तो उस पर कोई इफेक्ट होगा। आपने एक बॉइंट फोर्स 9th क्लास में पढ़ी थी, बॉइंट फोर्स लगेगी पत्थर पे, और पत्थर पे जब एयर की बॉइंट फोर्स लगेगी तो पत्थर का वजन क्या हो जाना है? कम हो जाना है, रीडिंग कम आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है कि जब भी आप इसका वजन एयर में रख के निकालना चाहेंगे तो वो सही नहीं आएगा। तो ये टेक्निक्स की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, उसे हम कहते हैं इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अभी क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल सही है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सही है, और कोई टेक्निक में ख़राबी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से गड़बड़ी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लोहे का स्केल ले आए और लोहे के स्केल से दो दीवार के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लें उस दिन गर्मी ज़्यादा पड़ गई। अभी गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो लोहे के स्केल का क्या होगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर एक्सपेंड कर गया तो रीडिंग गड़बड़ आ जाएगी। तो ये किसकी वजह से एरर आई, रीडिंग में गड़बड़ी आई? एक्सटर्नल कॉज, टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम है, पेंडुलम का आप टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं कि आपने, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाने में इसे कितना टाइम लगा। आपने इसे यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ गई, ये वापस आई, आपने टाइम नोट करा घड़ी में। अगर घड़ी में आपने टाइम नोट करने में गड़बड़ी कर दी कि जैसी स्टॉप क्लॉक ऑन या ऑफ़ करनी है उसमें जरा सी देर कर दी आपने ऑन ऑफ़ करने में, या पहले ऑन ऑफ़ कर दी, तो टाइम में गड़बड़ी आएगी, एरर आएगी। तब वो कौन सा कॉज हो गया, कौन सी एरर हो गई? पर्सनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। लेकिन मान लें आपने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे ऑन ऑफ़ किया, लेकिन मान लें हवा चल गई, अभी पंखा चल रहा है, हवा चल गई, तो ये पेंडुलम ऐसे सीधे ना जाके लहराते हुए जा रही है, ऐसे ऐसे घूम के आ रही है, तो टाइम फिर गड़बड़ आएगा। किसकी वजह से? एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो बेटा वेरियस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एरर्स आ सकती हैं, और एरर आएगी आएगी, 100% एक्यूरेट रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है 11th से पहले आप लोगों ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना किए हों, बट 11th क्लास में बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स करते समय एरर्स का भी ध्यान रखना है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि सर इसमें इतनी एरर हो सकती है, इतनी एरर हो सकती है। तो एरर्स अब 11th क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। प्यारे अगली बात आई रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर के नाम से ही पता लग रहा है विच अकर इररेगुलरली। कभी प्लस आ गई, कभी माइनस आ गई, कभी ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। बात समझ पा रहे हैं एरर क्या होती हैं? ठीक है प्यारे, तो अभी इससे रिलेटेड, एरर चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं, वो पढ़ लें, फिर अपनी मेन डेरिवेशंस पे चलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके प्यारे, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर ये 2.5 किलो का आपने पत्थर बताया था, इसको ट्रू वैल्यू माना, और बोले जब भी हम इसकी एक्सपेरिमेंट से मेज़र करेंगे वैल्यू तो हमेशा अलग अलग आएगी, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगी आएगी। अगर सर हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगी इसे मेज़र करके, तो इसकी ट्रू वैल्यू कहाँ से निकाल ली? वो जो ट्रू वैल्यू बताई कि सर ये 2.5 किलो का पत्थर है, वो कहाँ से आई, वो ट्रू कैसे हो गई? वो भी तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाली होगी सर, और अगर इंस्ट्रूमेंट से निकाली होगी तो सर एरर आएगी, तो सर वो ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से हो गई? जी हाँ, आपका सोचना सच है, बट असलियत सुनिए क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। जैसे ये पत्थर है, अगर हम इसकी चाहते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या मानी जाए, तो क्या करा जाता है, इसे 4 बार 5 बार 10 बार अलग अलग बार इसे मेजरमेंट लेंगे। एक बार इसकी वैल्यू आई 2.6 kg, एक बार 2.55, एक बार 2.45, एक बार 2.49, ये जो अलग अलग हमारी एक्सपेरिमेंट करने पर वैल्यूज आएंगी, इन सब वैल्यूज़ का एवरेज लिया जाता है, और जो एवरेज निकल के आता है उसी को हम मान लेते हैं क्या, उसकी ट्रू वैल्यू। तो बेटा तभी एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे स्कूल में,
तो ध्यान रखिएगा, स्कूल में आपसे बार बार कहा जाएगा क्या कि बेटा ये आपको वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इसका डायमीटर निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, ये स्क्रू गेज से ये करना है, रेडियस निकालना है तार का, तो आपसे कहेंगे कि बेटा कम से कम 4 रीडिंग लेना 5 रीडिंग लेना। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ली जाती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग इसलिए ली जाती हैं क्योंकि हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर है। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे उसका जब एवरेज निकलेगा तो वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू के उतना ही ज़्यादा पास होगा। तो इसलिए कई सारी वैल्यूज़ ली जाती हैं ताकि उसका एवरेज जो आए वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक हो, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल और गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर्स, जो ये कहता है कि अगर आप कहीं पे भी एरर को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारी रीडिंग्स लीजिए, बहुत सारी मेजरमेंट लीजिए सेम क्वांटिटी की, और फिर उनका एवरेज कर दीजिए ताकि जो वैल्यू आए उसमें एरर मिनिमम से मिनिमम हो। तो बेटा सबसे पहली टर्म आई एब्सोल्यूट एरर, क्या चीज़ होती है एब्सोल्यूट एरर? जो अभी आपने पढ़ा प्यारे कि ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कर दें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह लीजिए, चाहे मेजर्ड वैल्यू कह लीजिए, चाहे ऑब्जर्वेशनल वैल्यू कह लीजिए, चलिए मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कर दें जो भी आई है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जैसे एक बार फिर से ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? आपने मेजरमेंट करी, एक बार मास निकला M1, एक बार M2, एक बार M3 एंड सो ऑन, बहुत सारे मासेस निकल आए, इन सारे मासेस का एवरेज ले लें, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, चार बार किया है तो 4/4 कर दिया, ये जो एवरेज निकलेगा इसी को हम मानेंगे क्या? इस एवरेज वैल्यू को ही मानेंगे ट्रू वैल्यू। जैसे M से मैं मास है तो M से डिनोट कर दूंगा, टाइम है T से कर दूंगा, फोर्स है F से कर दूंगा, लेकिन इन जनरल की बात करूं तो इन जनरल यहां पे मैं ट्रू वैल्यू को X से डिनोट कर रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, मास होगा तो ट्रू वैल्यू M से कर देंगे, टाइम होगा T से कर देंगे, इन जनरल मैंने इसे X से किया है जो एवरेज करके निकाली जाएगी, और एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाई डेल्टा X, जो ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस करेंगे उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाई डेल्टा X। अगर वो मास में एरर आ रही है, जो अभी एरर पढ़ाई थी उसी एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं, अगर वो मास में एरर आ रही है तो उसे हम डेल्टा M से डिनोट कर देंगे, टाइम में आ रही है तो डेल्टा T से डिनोट कर देंगे, जनरल डेल्टा x से डिनोट किया है। बात आई मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? बेटा मान लें कि ये अलग-अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई थी और ये ट्रू वैल्यू आ गई, तो हर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होगी, इसमें भी एरर होगी। जैसे मान लें इसका वेट निकला, पहली बार करा तो 2 kg निकला, दूसरी बार किया 3 kg निकला, तीसरी बार 2.5 kg और चौथी बार मान लें 1.5 kg, ऐसे ही अपने मन से वैल्यूज़ ले लें। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज कितना निकलेगा? 5, 6, 7, 8 और 9 upon 4 कर लें तो ये आपका आ गया कितना? 2.25 kg इसका मास आ गया। ये हम इसकी क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू मान लेंगे। इतना ही आएगा 2.25? जी हाँ, इतना आ जाए 2.25। अभी आप देखिए ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, पहली वाली जो एक्सपेरिमेंट किया, पहली वाली जो वैल्यू निकाली उसमें कितनी एरर आ रही है? अगर उसमें एरर देखिए तो क्या बता सकते हैं? पहली वाली में जो एरर आएगी उसे डेल्टा M1 से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो आपकी आ गई है 2.25 kg और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? 2। तो ये लीजिए पहले वाले की एरर आ गई 0.25 kg, जबकि दूसरे वाले केस में कितनी एरर हुई आपकी? फिर से ट्रू वैल्यू तो 2.25 kg लेकिन वैल्यू थी 3, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3 आई थी, तो ये आपका आ गया -0.75 kg। तो हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, और ये सारे एब्सोल्यूट एरर जो डेल्टा M1, डेल्टा M2, डेल्टा M3 एंड सो ऑन है, इन सबका अगर हम मीन ले लें तो इसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इस केस के हिसाब से बता रहा हूं, डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M4 अपॉन इन सबका एवरेज ले लें तो उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है। बात आई रिलेटिव एरर, क्या चीज होती है बेटा? रिलेटिव एरर क्या होती है प्यारे? जितनी भी आपकी एरर आई है जिसे हम एब्सोल्यूट एरर कह रहे हैं, वो एब्सोल्यूट एरर ऊपर लिख दें
और नीचे क्या लिख दें, ट्रू वैल्यू लिख दें। ट्रू वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू में से कितनी एरर आई, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जैसे आप देखिए, एब्सोल्यूट एरर को जनरली डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और ट्रू वैल्यू को डिनोट करते हैं एक्स से, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। मतलब ये है कहने का कि आपकी जैसे फर्स्ट वाले केस में देखिए कितनी एरर आई, 0.25 केजी की एरर आई, जबकि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू 2.25 केजी थी, तो 2.25 केजी में आपकी मेजरमेंट में इतनी एरर आ गई, 0.25 की एरर आ गई। तो कितनी एरर आई, कितने में से, रिलेशन से बताते हैं, एक दूसरे के रिलेशन से बताते हैं, तो उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। तो अगर फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट की आपको मेजरमेंट की रिलेटिव एरर निकालनी है तो 0.25/2.25, सेकंड वाले मेजरमेंट की एरर निकालनी है रिलेटिव एरर तो दिस अपॉन दिस। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर ऊपर और ट्रू वैल्यू नीचे। बात समझ पा रहे हो? फिर परसेंटेज एरर क्या होगी, ये जैसे आप फर्स्ट वाले केस की निकाल लीजिए, रिलेटिव एरर कितनी होगी, 0.25 केजी की एरर आई, कितने में से, 2.25 केजी में से, तो ये तो हो गई रिलेटिव एरर। इसी को अगर आप इनटू 100 कर दें तो वो परसेंटेज में आ जाएगी, इसी को इनटू 100 कर दें इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। जैसे इस केस में अगर आप निकालें तो 0.25/2.25/100, ये लीजिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 ones और 25 nines, तो ये 100/9 जो भी आएगा, 100/9 कितना आएगा, 1 और 11.11 आ जाएगा, तो ये आपकी परसेंटेज में हो गई कि भैया पहली बार जो एरर आई है वो लगभग 11% एरर आई है, तो ये परसेंटेज एरर होता है। अभी ये आप नोट कर लीजिए सारी चीजें, ये एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जानी है लेकिन इस पे बेस न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं जिससे आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो प्यारे फटाफट इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास वॉज मेजर्ड टू बी। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 10th क्लास में पढ़ा, लेकिन क्या होती है उससे मतलब नहीं है। कह रहे हैं किसी ग्लास की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाली एक्सपेरिमेंट से, वो भी एक बार नहीं, कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार एक्सपेरिमेंट्स किए और 6 बार जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आई वो वैल्यू उसने लिखी हुई। देखिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, कई बार सेम भी आ रही हैं, देखिए यहाँ पे सेम भी आई। तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। मीन वैल्यू निकालिए, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। जी हाँ, बहुत आसान है मीन वैल्यू निकालना, आपको आता ही है। मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, और अगर उसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं तो या तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, या फिर इसके ऊपर एक लगा देते हैं बार, या फिर लिख देते हैं एवरेज की जगह एम, तो उसका भी मतलब मीन होता है। तो ये कैसे निकालेंगे इन सब का मीन, बहुत आसान है, सबको ऐड कर दीजिए, 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53, और किससे डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, और ये जो निकल के आएगी वैल्यू, ये इसका एवरेज आ जाएगी। चलिए ऐड करिए, चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आंसर आएगा 1.51। अच्छा ध्यान रखना, ये जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3-4 आगे तक आएंगे, लेकिन आंसर में कितने डेसिमल रखोगे, सिर्फ 2 डेसिमल रख के राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा कि चीज़ों को ऐड करते हैं तो डेसिमल प्लेस देखते हैं, इसमें 2 हैं, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस रखोगे। तो ये बेटा इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, ये इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, जिसे हम ट्रू वैल्यू भी मान सकते हैं। फिलहाल आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। प्यारे एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिनोट करने की बजाय यहाँ पे डेल्टा म्यू से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो बेटा एक्सपेरिमेंट तो कई बार हुआ है तो फिर एब्सोल्यूट एरर भी कई बार आएगी, सबकी अलग अलग आएगी, तो हमें निकालनी भी अलग अलग है एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। तो चलिए ऐसा करते हैं, सारे केसेस लिख देते हैं। फर्स्ट केस की एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो ट्रू वैल्यू तो हम मान लेंगे हमेशा 1.51, माइनस फर्स्ट वाले केस की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, पहली है 1.45, फिर 1.56, 1.54, एक साथ लिख ले रहा हूँ, 1.44, 1.55, 54
और 1.53, जबकि ट्रू वैल्यू तो हमेशा कितनी रहेगी, 1.51, 1.51, 1.51, 1.51। ये इस तरीके से ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगी फर्स्ट केस की, तो इसे डेल्टा म्यू वन से डिनोट कर दे रहे हैं, डेल्टा म्यू टू, डेल्टा म्यू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए करिए जरा माइनस, माइनस तो कर सकते हैं, करिए। ये लीजिए, ये बड़े में से छोटा माइनस करा है, ये 5 और 1 6 हो गया, प्लस में 0.06, ये माइनस हो गया माइनस 0.05, ये माइनस 0.03, माइनस 0.07, माइनस 0.03 और ये माइनस 0.02। ये बेटा आप देखिए ईच केस की एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है प्यारे, ओके। अरे बेटा ये जरा सही करिए, ये बड़े में छोटा माइनस करेंगे, ये प्लस में आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो बहुत सारी निकालनी, अब कह रहे हैं इन सब का मीन निकालो। साफ है बहुत, एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है और बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, तो ये जितने भी आए हैं इन सब को ऐड करके अपॉन नंबर कर दो, कितना 0.06 और 0.05, 0.03, 0.07, 0.03, 0.02। और हाँ बेटा, जब इनको आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, उसका मीन निकालने के लिए आप सिर्फ वैल्यूज उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, यहाँ पे साइन नहीं करेंगे। बेटा अगर आपने साइन कंसिडर किया तो आप सोचिए, ये हो सकता है कि कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है और सब प्लस माइनस होके क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे तो फिर उसके हिसाब से मीन एब्सोल्यूट एरर जीरो आ जाएगी, मतलब ऑन एवरेज एरर जीरो आ रही है, इसका मतलब तो फिर कोई एरर है ही नहीं। नहीं बेटा, हमें यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, कुछ ज्यादा आ रही है कुछ कम आ रही है, लेकिन कितनी वैल्यू आ रही है हमें उससे मतलब है, उसका एवरेज निकालने के लिए हम सिर्फ साइन लेंगे, ना कि ये कि प्लस है या माइनस। और 6 वैल्यूज थी, इन्हें डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड करेंगे हो गया 0.26/6, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 0.0366, इस तरीके से आएगा, जिसे आप राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इसमें दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी दो डेसिमल प्लेस रखने के लिए तीसरी वाली को 5 से ज़्यादा होने की वजह से हटा के एक ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 0.04। क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर आई है, उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं और उन सबका मीन है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का मीन के लिए एक ये साइन लगा देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर। बोले अरे सर ये क्या चीज होती है, कोई नई चीज नहीं होती, जो हमने रिलेटिव एरर बताई थी उसी का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर का। जी हाँ, क्या, एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या, ट्रू वैल्यू। ट्रू ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा, कितना आपकी एरर आई कितनी ट्रू वैल्यू में से, वो दोनों को डिवाइड कर देंगे। चूंकि बेटा इन्होंने ये नहीं पूछा फ्रैक्शनल एरर ईच केस की निकाली है, ऐसा नहीं बोला, तो फिर हम अलग अलग केस की ना निकाल के ऑन द होल की निकालेंगे। ऑन द होल के लिए अगर बात करें तो एब्सोल्यूट एरर भी एवरेज वाली लेंगे और ट्रू वैल्यू भी जो एवरेज करके आई है वो लेंगे। तो ये देखिए एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है 0.04 और ट्रू वैल्यू कितनी है 1.51। इसको डिवाइड करेंगे, चलिए करिए डिवाइड, कितना आया 0.02649, इस तरीके से आएगा। लेकिन क्या ऐसे छोड़ेंगे, नहीं बेटा वही बात, यहाँ पे दो डेसिमल थी तो आंसर में भी दो डेसिमल रखेंगे प्यारे, ये सारी जो वैल्यूज हैं दो डेसिमल की चल रही हैं तो आंसर में भी दो डेसिमल रखेंगे, यहाँ तक तीसरी को राउंड ऑफ करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो सिंपली हो गई है 0.03। ठीक है, अगले पार्ट में क्या पूछा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं परसेंटेज एरर निकालो। बहुत ही सिंपल, परसेंटेज एरर क्या होती है, यही बेटा डेल्टा म्यू अपॉन म्यू जो आया है उसको इनटू 100 कर दें, ये परसेंटेज एरर हो जाती है, यानी 0.03 × 100 कितना हो गया 3%। ये परसेंटेज एरर आई है 3%, इसका मतलब ये है कि जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू में एक्सपेरिमेंट करते समय
3% की गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी कैसी हो सकती है? प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये जो परसेंटेज एरर होती है बेटा, ये मैक्सिमम एरर होती है कि इतनी एरर किसी भी रिजल्ट में आ सकती है एक्सपेरिमेंट करके, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो अगले क्वेश्चन में पूछा है। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो बेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर अगर मैं बताऊं तो परसेंटेज एरर की टर्म्स में क्या होगा, जैसे आपका जो रिजल्ट आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी आई कितनी, ये आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई 1.51। लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी आएगी नहीं आएगी, कितनी परसेंट तक की गड़बड़ी आ सकती है, 3% तक की आ सकती है, वो भी 3% इस वैल्यू की, 3% एरर का मतलब 3% इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। तो वो दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, इसके आगे प्लस माइनस लगा के इस तरीके से ऐसे परसेंटेज में लिख दिया जाता है। तो ये डिनोट करता है इस वैल्यू में इतनी परसेंट की एरर हो सकती है। तो ये हमने रिजल्ट को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। यहाँ पे वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर करो, तो एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में करने के लिए आप क्या करोगे, 1.5 प्लस माइनस, यहाँ परसेंटेज एरर की जगह एब्सोल्यूट एरर लिख दोगे। एब्सोल्यूट एरर कहाँ है, ये है 0.04। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें वैल्यू में 0.04 की गड़बड़ी हो सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी। और यूनिट लिखनी है तो यूनिट इसके आगे लिख दी जाती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट है नहीं तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ब्रैकेट के बाहर, वरना यूनिट आप लिखते। उम्मीद है प्यारे इस क्वेश्चन के थ्रू सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक है बेटा एरर एनालिसिस का। अभी मेन पार्ट जो इसकी डेरिवेशन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी अपनी ऐप को डाउनलोड करके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्यारे इसके आगे के लेक्चर के लिंक्स और पीछे के लेक्चर्स इस यूनिट से रिलेटेड सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे थे जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है प्यारे, उम्मीद है समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए और मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।